डॉक्टर भुवन मोहिनी को मैं अलीराजपुर के इस बस स्टैंड के वन मंडल के कवि सम्मेलन में आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियां बजाकर उनकी अगवानी करे। मैं आप सबकी तरफ से उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्यार करने वालों की ये प्रथा पुरानी है। एक आँख काजल है, एक आँख पानी है। पहले हंसकर मिलते थे, आज मिलकर हंसते हैं। वो भी मेहरबानी थी, ये भी मेहरबानी है। एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियां बजाए डॉक्टर भुवन मोहिनी। साउंड सच में बहुत अच्छा है, लेकिन साउंड वाला उससे भी अच्छा है। इतना शर्मिला है कि कवित्री के समय भी नहीं आया। हमारे इंदौर उज्जैन देवास की तरफ तो माइक वाला इंतजार ही करता है कि कवित्री उठे और मैं सेट करने जाऊं। ये अलीराजपुर का साउंड वाला है, वो वहां बैठे बैठे ही सेट कर रहा है। बैठे बैठे सेट नहीं, उसकी उंगली एक बार भी स्थिर नहीं रही। इतनी ही उंगलियां आप घर पर भी चलाते हो? उंगली कितनी भी चलाओ, नजर बोर्ड पे ही रखना। अगर इधर नजर रखी तो जिंदगी अपसेट हो जाएगी। मैं तो उधर सोच रही थी, इतनी देर से ये दो खड़े थे, आप लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि नीचे बैठ जाओ। जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया, आपने तुरंत कहा कि नीचे बैठ जाओ। कमाल के लोग हैं अलीराजपुर के, बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए बेटा कि दो वरिष्ठ लोग बैठे हैं सबसे आगे, और वरिष्ठों को जब देखने में तकलीफ होती है तो फिर हटाना पड़ता है सामने। आज के कवि सम्मेलन में कई लोगों का मोतियाबिंद भी ठीक होगा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, मैं सच बता रही हूँ, देश में खतरा युवाओं से अधिक बुजुर्गों से हो गया है। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए खाता कहीं भी खुल जाएगा जीरो बैलेंस पर। तो ये अलीराजपुर है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंच को और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मुझे नहीं पता तुमको कितना अनुभव है, ये अकाउंट खोलने में विश्वास नहीं रखते, डायरेक्ट बैंक खोलते हैं। ये बैंक भी खोलते हैं, लेकिन आरबीआई से नोट भी नकली ही लाते हैं, मैं जानती हूँ। पर बहुत सच में बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार अलीराजपुर आना हुआ है। नहीं जानती कि आप कैसा सुनते हैं, कैसा सुनेंगे। मेरे पास जो कुछ है वो आपको सुनाने का प्रयास करूंगी। एक बार मुझे अनुमति की तालियां दे दीजिए, मैं भी अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। स्वागत स्वागत डॉक्टर साहब, बहुत ही उत्साह में आप है। साक्षी से एक व्यक्ति कौन थे, वो भजन संध्या करवा रहे थे। मुझे ये बताओ, दिनेश देशी घी से क्या करवाओगे? गरुड़ पुराण। ये आइटम प्रभात फेरी के लायक है बिल्कुल। एक शब्द आप सुधार लेना, वो शेक्सपियर होता है जो आपने बोला था। हाँ, ये देखिए, आदरणीय शंभू जी पधार गए। सच में ये इतनी सारी महिलाएं तो इन्हें देखकर ही प्रसन्न हो रही हैं। सभी मन में सोच रही है कि अपना वाला ढंग का तो है। एक बार तालियां वालियां बजा। नहीं, शंभू जी को टक्कर देने वाले वो एक उधर बैठे हैं। भाई साहब, अगर आपने सफेद शर्ट ना पहनी होती तो मुझे नजर भी नहीं आते। लेकिन पर बहुत आनंद, कृष्ण का काला रंग था और आप लोगों ने पाया है। ईश्वर आपका रंग और अधिक पक्का करे, मैं प्रार्थना करूंगी। मैं अपने क्रम पर हूँ, कोशिश करती हूँ धीरे धीरे जुड़ने की। मैंने विसंगतियों को कुछ पदों में ढाला है, वो पद आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, स्वागत स्वागत सुनाइए।
कि हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई, अच्छा जो हाथ के साथ पैदा हुए हैं वही ताली बजाए, जिन्होंने पैदा होकर लगवाए हैं वो ताली न बजाए। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पी कर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। हो गई, मेहनत मैं कर रही हूँ और ये फोटो उधर खींच रहा है। इसका नाम नोट करो और इसे कभी बनाओ। हाँ सच में भी कभी क्या, वो तो तुम्हारा ड्राइवर बनने को तैयार है, तुम बोलो तो सही। वो तो फ्री है, उसका यहाँ की वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। वो मुझे दूर से उंगली बता रहा है। शादी सगाई हुई है? अच्छा। 15 दिन पहले जो आप बलि चढ़े हो मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। स्वागत। सुनिएगा, हो गया तुम्हारा? हाँ, बैठ जा बेटा। अब अगर फोटो लेना है तो सिर्फ मेरा लेना, तुम्हें उसकी कसम है जिसने तुम्हें अब तक दिल नहीं दिया है। हाँ, ये अलीराजपुर का ये बीच में नहीं दाएं बाएं घुसेगा, तुम सुनो बस। बहुत अच्छा सुन रहे हो, मैं कोशिश करती हूँ। एक बार पुनः तालियां बजाकर मुझे अनुमति दीजिए। कि हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे बावरिया। अच्छा आदरणीय, मेरा वीडियो बना रहे हैं सर, आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? इतनी मेहनत करके तो यहाँ वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। मैं ये 2 पंक्तियाँ आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। मंच से बहुत सारी बातें हुई, 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत। अगर आपको लगता है कि ये ठीक ठीक बात मैंने कही है तो इस क्रम की ये अंतिम 2 पंक्तियां हैं, फिर मुझे शुरुआत दीजिएगा, मैं मंच को भी समर्पित करती हूँ। कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। बहुत अच्छे। 2 मुक्तक से जुड़ती हूँ। ये जिन्होंने ऑरेंज सदरी पहनी है ये भाई साहब आपका 7वां फेरा है। ऐसे में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाया करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, ये आपके घर के हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये अभी मेरे घर के नहीं हुए हैं। सुनिएगा, बहुत आनंद में आप लोग हैं, बहुत दिनेश जी ने आपको हंसाया भी।
मैं प्रेम को जीती हूँ, प्रेम ही करती हूँ मैं। सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा गंभीर हो जाओ। हो गया, वो तो कुछ नहीं, चाय का पूछना आया था। तुम क्या सोच रहे हो, नंबर मांगने आया था? इतने बढ़िया लोग हैं, ये आए थे भैया कि चाय का पूछने। इसके पहले शर्मा जी आए थे, मेरे से पूछ रहे थे चुन्नू भैया कि रात्रि विश्राम कौन करेगा, बताओ इनका रात्रि विश्राम में कितनी रुचि है। मैंने बोला आप तुम्हारे इरादे सोच के तो हमने भी बदल दिए, अब हम सीधे अपने घर निकलेंगे। लेकिन देखिए मित्रों, प्रेम की कवित्री है, प्रेम के लिए थोड़ा सा वातावरण गीत का बनाइए। हंसी मजाक करने के लिए भी ये भोलेनाथ बैठे हैं, ये जब अपनी वाली पे आएंगे तो आपको खूब हंसाएंगे। अभी दिनेश ने आपको खूब हंसाया, लेकिन गीत के लिए थोड़ा सा गीत सरी का मन करिए। प्रेम के गीत सुनने के लिए मैं डॉक्टर भुवन मोहिनी की अगवानी में केवल चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। एक बार जरा तालियां बजाकर भुवन मोहिनी को आदेशित करिए कि हम उनके गीत से जुड़ना चाहते हैं, हम उनके प्रेम से जुड़ना चाहते हैं, हम उनके श्रृंगार से जुड़ना चाहते हैं। स्वागत डॉक्टर साहब। सच बता रही हूँ आपको, जब माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया, माँ ने जन्म दिया पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया, पिता ने रिश्ते बताए तो रिश्तों से प्रेम किया, बड़ी हुई मित्रता जानी तो मित्रों से प्रेम किया, विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति से प्रेम किया, और आज एक बालक को जन्म देने के बाद मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूँ जिसको जीने के लिए उस परम पिता परमात्मा को भी सृष्टि पर जन्म लेना पड़ता है। मैं उस प्रेम के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ, चार पंक्तियों में उस प्रेम को आप तक पहुँचाती हूँ। कहते हैं कि जब जब प्रेम को जानते हैं तब तब मीरा को जानते हैं, तो स्त्री मन की मीरा क्या कहती है आप सभी को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत डॉक्टर। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, वाह एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनू प्रेम का, क्या बात है, तुम जो छू लो शिवाला बनू प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर, बहुत अच्छे। दीवानी और एक रिश्ता जो मैंने आपके और मेरे बीच महसूस किया, उस रिश्ते को नाम देती हूँ और ये विशेष रूप से इस मोहल्ले को सौंपती हूँ, सुनिए। स्वागत स्वागत डॉक्टर। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, कैसा महसूस कर रही हूँ, कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन 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 से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए। और सच में बड़ा जागरूक ये मोहल्ला है, पीछे तो बहुत ही कमाल के लोग हैं, मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, वाह, मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर तुम हो उस किनारे पर, क्या बात, मगर मैं इस किनारे पर तुम हो उस किनारे पर, और जरा सा प्यार से बोलूं कहोगे दुनिया से जाकर, फलक का चांद मर बैठा जमी के एक सितारे पर, फलक का चांद मर बैठा, क्या बढ़िया बात है, वाह वाह वाह। एक पुस्तक और सुनाती हूँ और फिर सीधे सीधे गीत से जोड़ती हूँ, मुझे समय की अपनी सीमा दी गई है तो मैं उसी सीमा में रहकर अपना काव्य पाठ करूंगी। स्वागत। मेरा मानना है कि प्रेम जितना मुखर होकर स्त्री सुना सकती है उतना मुखर होकर कोई नहीं सुना सकता, तो उस प्रेम की मुखरता का परिचय देती हूँ। विष्णु दादा यहाँ बैठे हैं, सुनिएगा। कि नयनों ने नयनों ही में
मदिरा खोली रात भर। क्या बात है, क्या मिसरा उठाया, वाह वाह वाह। नयनों ने नयनों ही में मदिरा खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं भी बहकी मन भी बहका वो भी बहका रात भर। ये जो मोहल्ला थोड़ा सा खामोश है, एक बार आप भी ऊर्जा की तालियां बजाइए। कविता का जो काम होता है वो एक व्यक्ति नहीं, दोनों जब सम्मिलित होते हैं तो आनंद आता है। मजा देना मोहब्बत है, मजा लेना मोहब्बत है, सजा देना मोहब्बत है, सजा लेना मोहब्बत है। तो एक बार आप भी तालियों से शामिल होइए। मैं ये पंक्तियां पूर्ण करती हूँ, सुनिएगा। कि मैं भी बहकी मन भी बहका वो भी बहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात। ये आवाज बहुत जबरदस्त थी। नहीं नहीं, जरूरी नहीं कि मुलाकात की जाए, इश्क है तो चर्चा पूरी रात की जाए। और मैं जानती हूँ कि तुमने आज नहीं पी है, कल की उतरे तो तुमसे बात की जाए। लेकिन आप लोग बहुत आनंद में, बहुत अच्छा मुझे भी लग रहा है। अगर आप गीत सुनना चाहते हैं, 2.5 मिनट का गीत है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियों से मुझे अनुमति दीजिए, मैं गीत सुनाती हूँ। महुआ सुना, महुआ, महुए का बेल्ट है ये। अच्छा, मऊ मऊ। देखिए, अभी हमारे यहाँ बसंत उत्सव शुरू हुआ है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा त्यौहार भगोरिया आने वाला है। एक बार तो उसके आगमन की सूचना पर जरा ताली बजाइए। गीत मैं सुनवाना चाहता हूँ, जो इस क्षेत्र से लिखा गया गीत है। मैंने उनको याद दिलाया है, अगर उनको याद आ जाए तो वो सुनाए। हाँ, मैं बिल्कुल वही जो आपने कहा है वही सुनाती हूँ। ये क्षेत्र मुझे बताया भी गया है। वो शर्मा जी कहाँ चले गए जो मेरा स्वागत करते हैं? वो रात्रि विश्राम की चिंता में बिचारे। नहीं बिल्कुल, वो हाँ मुझे दिख गए, उन्होंने हाथ हिलाकर जो इशारा किया है, कसम से। युवा मोर्चा के नहीं, पहले कांग्रेस में थे। हम राह हूँ किसी की, अकेली नहीं हूँ मैं, अलबेली नहीं हूँ मैं, और चाह कर भी मुझ में शामिल हो नहीं सकते। मोहिनी हूँ कांग्रेस की रैली नहीं हूँ मैं। लेकिन आपने बड़ा अच्छा मेरा स्वागत किया और ये बड़ा अच्छा संचालन भी कर रहे थे, तो एक बार इनके लिए तालियां वालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा संचालन, बताओ ये अच्छा कर रहे थे। मैं कंडे थाप रहे हूँ इतनी देर से। तुम दोनों की पुरानी सेटिंग है क्या? उनको देख कर तो आप कह सकते हो कि पुरानी है, पर मेरे को देख के कैसे कह सकते हो? जाता है कभी। सुनिएगा, जिस गीत का आदेश हुआ है वो सुनाती हूँ। उसकी भूमिका में 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। कि सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे। ये मोहल्ला अपने को अनारक्षित नहीं समझे, आप भी शामिल हैं। कि सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे,
और फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आँख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। हमारी आँख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। जिस तरीके से दाद दी है तो ये पीने पिलाने वाले ही बैठे हैं। मैं इनके टेस्ट को और वेस्ट को प्रणाम करती हूँ और महुआ प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। अरे सुनो सुनो, बोलो मत बोलो, तुम्हारी उतर नहीं रही और इनको ज्यादा चढ़ गई। सुनो मैं सुनाती हूँ। कि ऊपर था महुआ नीचे कुआ, नीचे कुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। ऊपर था महुआ नीचे कुआ, नीचे कुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। तन पत्तों से मन भी खेले जुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। ये पानी इश्क का या फिर है रिस्क का, फॉर्मेट हो गया है दिल की हार्ट डिस्क का। ये पानी इश्क का या फिर है रिस्क का, फॉर्मेट हो गया है दिल की हार्ट डिस्क का। मुई को किसने छुआ, पानी पी ये क्या हुआ। ऊपर था महुआ नीचे कुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। इस कवि सम्मेलन में तीन पीढ़ियां बैठती है, मैं बताऊंगी नहीं लेकिन आप समझ जाएंगे। ये बंद सुनिए जो मैंने आपको भेजा कि पानी पीकर ये क्या हुआ। रेस्ट का पता नहीं, बेस्ट का पता नहीं, इतना पी चुके हैं कि टेस्ट का पता नहीं। रेस्ट का पता नहीं, बेस्ट का पता नहीं, इतना पी चुके हैं कि टेस्ट का पता नहीं। होश में आ जाए ये दीजे दुआ, पानी पी के क्या हुआ। ऊपर था महुआ नीचे कुआ, पानी पी कर ये क्या हुआ। दो बंद आपने अपने मनोयोग से सुने, तीसरा बंद मैंने किस प्रयोजन से ये गीत लिखा है, आदरणीय शशिकांत जी के कहने पर मैंने ये गीत सुनाया है। इस गीत को मैंने पढ़ना बंद कर दिया था लेकिन आज उनका आदेश था इसलिए सुनाया। गीत का अंतिम बंद सुनाती हूँ, बहुत अच्छा, सुनिएगा। कि पानी पीकर ये क्या हुआ, दिल को सीना पड़ता है सबको जीना पड़ता है, दिल को सीना पड़ता है सबको जीना पड़ता है, जिंदगी वो पानी है सबको पीना पड़ता है। दिल को सीना पड़ता है सबको जीना पड़ता है, जिंदगी वो पानी है सबको पीना पड़ता है। हो फिर भतीजा या हो बुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। ऊपर था महुआ नीचे कुआ। गीत समाप्त, तालियां बजाइए। अंतिम दो मुक्तक पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ। स्वागत। यहाँ पर बात हुई कि हम देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हम दो बेटियां इस मंच से करती हैं। ये मध्य प्रदेश है जिसने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज अमेरिका तक उस नारे को फॉलो करता है। तब पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करती हूँ। स्वागत। माता बहनों की यहाँ उपस्थिति होती है। एक पुस्तक हमें भेंट की गई, कुमकुम जो है वो जितनी मेरी बड़ी बहनें हैं, ये चार पंक्तियां मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ और प्रत्येक महिला की उपस्थिति को रेखांकित करती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहटी नहीं होती। वाह वाह। सकल कल्याण की घर में
गलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं। वाह वो प्रत्येक पिता भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। बढ़िया बढ़िया बेटा। जब मैं मंच से ये बात कहती हूँ तो कई बार कवि ये कह बैठते हैं कि क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं, क्यों बेटियों की ही बात होती है। मैं जानती हूँ ये अलीराजपुर है, यहाँ कवि सम्मेलनों के संस्कार कई वर्षों के बोए हुए हैं। चार पंक्तियां तर्क की पढ़ती हूँ और अब ये प्रबुद्ध जन मुझे बताए कि मेरा तर्क कितना सत्य है, कितना स्वीकार है। अगर आपको मेरा तर्क स्वीकार है तो फिर पूरा सदन तालियों से मुझे सूचित करे। मैं तर्क पढ़ती हूँ कि बेटियों की बात क्यों प्राथमिकता पर करनी चाहिए। पूरे मंच को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि ना उनकी आँख यू फिर झील से रेती हुई होती, ना उनकी आँख यू फिर झील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। वाह। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अगर अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, एक प्रकरण एक घटना जो पिछले दिनों बहुत प्रकाश में रही, श्रद्धा और आफताब की घटना। आप भी सोचते होंगे कि ऐसी घटनाएं होती क्यों है। भुवन मोहिनी चार पंक्तियां पढ़ती है, मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा आपको वो याद रहे ना रहे, वो आपके मानस पर अंकन हो ना हो, लेकिन मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि ये चार पंक्तियां आप सभी के मानस पर हस्ताक्षर करेगी। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, कैसी परिस्थितियां होती क्यों हैं और कब नहीं होगी, सुनिएगा। कितना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। वाह। तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। बहुत अच्छे बोल। दूसरी पंक्ति पर आपने तालियां बजाई, अपने हाथ उठाए हैं, तो अब मेरा विश्वास और बढ़ा है और सुदृढ़ हुआ है कि चौथी पंक्ति आपके हृदय तक पहुंचेगी, सुनिएगा। कितना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या। वाह फिर से पढ़ दो। बिल्कुल आपका आदेश है, मैं ये पंक्तियां पुनः पढ़ती हूँ, लेकिन इस विश्वास के साथ कि जितनी ऊर्जा जितनी तालियां आपने दी है इतनी ही दोगुनी, इससे दोगुनी तालियों से आप मुझे विदा करेंगे। क्या बात। ये पूरा अलीराजपुर मेरा, ये मध्य प्रदेश जो मुझे बहुत प्रिय है, वन विभाग वन मेले का ये कार्यक्रम, सभी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और ये चार पंक्तियों से समापन करती हूँ और विदा चाहती हूँ, सुनिएगा। कितना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी वो रेखा पार मत करना तो रावण।